नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। स्वतंत्रता दिवस रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे लोगों पर तालिबान लड़ाकों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग मारे गए। उधर तालिबान ने गुरुवार को अफगानिस्तान से इस्लामी अमीरात के निर्माण की घोषणा की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद के एक ट्वीट में उन्होंने घोषणा की है कि संगठन ने अफगानिस्तान की ब्रिटिश शासन से आजादी की 102वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस्लामिक अमीरात की स्थापना करने का फैसला किया है। मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा कि इस्लामिक अमीरात सभी देशों के साथ बेहतर राजनयिक और व्यापारिक संबंध चाहता है। हमने किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करने के बारे में नहीं कहा है। इस बारे में जो अफवाहें फैलाई गई हैं वो सच नहीं है और हम इसे खारिज करते हैं। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकी कौन है और किस आतंकी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमने पंपोर इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जब हमारे जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन करने गए तो आतंकियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जब सुरक्षा बलों ने गोली चलाई तो एक आतंकी मारा गया। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी पंपोर में मिली थी, जिसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं सर्च ऑपरेशन में आतंकियों और सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ हुई, जिसपे फायरिंग की गई, जिसपे सुरक्षा बलों ने गोली चलाई तो एक आतंकी मारा गया है। मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट पर स्कूल की मनमानी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों मझौला थाना इलाके में साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी की। तोड़फोड़ के दौरान कॉलेज की दो टीचर भी घायल हो गई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की तहरीर पर छात्राओं और उनके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कॉलेज के प्रबंधक पर बोर्ड एग्जाम की फीस जमा न करने का आरोप लगाकर 200 फेल हुई छात्राएं काफी दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रही है और कार्रवाई की मांग भी कर चुकी है। वहीं कॉलेज में तोड़फोड़ से पहले छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह की गाड़ी को रोक लिया था, जिसके बाद जिला अधिकारी ने छात्राओं को और उनके परिजनों को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही जांच कराकर आरोपी सही पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी छात्राओं ने स्कूल प्रशासन में तोड़फोड़ की, जिसमें दो टीचर भी घायल हो गए हैं। वहीं छात्राओं की इस हरकत के बाद पुलिस में तहरीर दे दी गई है और स्कूल परिसर ने सब पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ पे 12th के बच्चों का रिजल्ट निकला था 31 तारीख को सर। तो इनमें जिन बच्चों ने प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी थी उनकी हमने एब्सेंट भेज दी थी, क्योंकि बोर्ड ने जो कहा था कि हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में से भी कुछ परसेंट लेंगे और प्री बोर्ड का 10% लेंगे, लेकिन उस आधार पर उन्होंने रिजल्ट नहीं बनाया, केवल प्री बोर्ड के आधार पर ही रिजल्ट क्लियर कर दिया। हमने प्री बोर्ड में एब्सेंट बच्चों की भेजी थी, हमने कहा बच्चे हमारे क्लियर पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर 10% ही केवल प्री बोर्ड का जाएगा तो भी हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं पता था कि एब्सेंट भेजने पर इस तरह से हो जाएगा। तो ये बच्चों के जब रिजल्ट आया तो इसमें हमारी 73 छात्राएं हमारी उसमें एब्सेंट लिखी हुई आ गई, जिससे ये बच्चे असंतुष्ट हो गए। और ठीक 4:30 बजे के करीब उसी दिन यह स्कूल आके बहुत हंगामा किया, इन्होंने बहुत तोड़फोड़ की अपने पेरेंट्स के साथ में। ये थाना मझौला क्षेत्र में श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम डिक्लेयर हुए थे तो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उनमें
उन्होंने रोष व्यक्त किया गया था। उनका कहना, जब इसमें स्कूल द्वारा बताया गया था कि इन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट थी, इन्होंने कुछ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए वही रिपोर्ट भेजी थी जिसके आधार पर इनको फेल कर दिया गया था। बाद में इनके प्रत्यावेदन इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन DM सर SSP सर के सामने रखा था, तो इनका प्रत्यावेदन शासन को भेजा गया था। उसके बाद इनको पास किया गया था। फिर इनमें एक बात ये थी कि इनके कम नंबर आए हैं, इस चीज़ को लेकर ये लोग आज स्कूल पे इकट्ठा हुए थे, और फिर यहाँ पे इनके और इनके पेरेंट्स और जो अन्य लोग थे इनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने तालिबान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान महिलाओं को महिला नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे पैदा हो और वो लड़ाई में लग जाए, उनसे हम ही नहीं बल्कि सभी में घबराहट है। दरअसल सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान जिले की सीमा में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी का जोरदार स्वागत किया। वहां के बाद सांसद मेनका गांधी अपने शास्त्री नगर आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मेनका गांधी ने फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि विकास के लिए सुल्तानपुर का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि सुल्तानपुर में 27 पार्कों का निर्माण हो और जहां मूर्तियां लगाई गई हैं वहां पेड़ पौधे लगाकर उनका सौंदर्यीकरण करवाया जाए। तो सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची थी मेनका गांधी, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए तालिबान की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने सुल्तानपुर में 27 पार्कों का निर्माण हो रहा है और जहां मूर्तियां लगाई जा रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि विकास के आगे कार्यरत है और सौंदर्यीकरण और भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर बढ़ जाएगा। तालिबान तो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। अब केवल अब देखते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो सुधर गए हों, क्योंकि पहले भी उन्होंने देखा है कि लड़ाई कर करके नतीजा अच्छा नहीं निकला, या तो अगर नहीं सुधरे हैं तो कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि सरकार ये वो सब टूट जाएगी। तालिबान बहुत खतरनाक। तो कांग्रेस की माफ कीजिएगा सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फरियादियों की जो समस्याएं हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। तो 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने तालिबान को लेकर भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिले की सीमा में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी का स्वागत किया। वहां उसके बाद सांसद मेनका गांधी ने अपने शास्त्री नगर आवास पहुंची। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अजय, मैं आपसे जानना चाहती हूं, मेनका गांधी पहुंची थी, उन्होंने अभी 3 दिवसीय दौरे पर है, क्या क्या उनके आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं सुल्तानपुर में? जैसे कि आपको बता दें कि सांसद मेनका गांधी इस समय सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके 3 दिवसीय दौरे पे हैं। वो जनता से रूबरू होने का कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर सके और आगे के कार्य के बारे में वो समीक्षा करेंगे। समस्याओं के लेके संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है क्या? और भी इसके आगे उनके कार्यक्रम है जो विकास के आगे अग्रसर होने की बात की गई है, 27 पार्कों का निर्माण हो रहा है, उसकी क्या स्थिति अभी आप सुल्तानपुर में देख पा रहे हैं? बैठक करके उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर है सुल्तानपुर, जहां पर उन्होंने लोगों से
की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो जाना चाहिए। सुल्तानपुर में भी वही 27 पार्कों का निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर विकास के आगे अग्रसर है और लगातार उसके सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जा रहा है। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां कच्ची दीवार ढहने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो कच्ची दीवार ढहने से मासूम की मौत, मलबे में दबने से मासूम की हुई मौत, अस्पताल में चिकित्सक ने किया मृत घोषित। सुजानगंज के पूरा हरी नारायणपुर का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कच्चे मकान के गिरने से मासूम की मौत हो गई है। तो मलबे में दबने से मासूम ने दब तो बलबे में दबने से मासूम ने दम तोड़ा, बड़ी खबर इस वक्त की जौनपुर से आपको हम बता रहे हैं। कच्चे मकान के गिरने की वजह से एक मासूम की दबने से मौत हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। वही इस खबर पर राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल पा रही है, किस वक्त की ये घटना जब कच्ची दीवार के गिरने से एक मासूम ने दम तोड़ दिया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश के बाद जो कच्चे मकान है कहीं न कहीं वो जर्जर होते दिखाई दे रहे हैं, उसी का कारण है कि आज देर रात कच्ची दीवार गिरने से ढहने से मासूम बच्चे की मौत हो गई है। मलबे में दबने से मासूम की मौत होने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल जहाँ इस बच्चों को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। सुजानगंज थाना क्षेत्र के हरी नारायणपुर का गाँव का मामला है। आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले दिनों में चाहे उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की बात करें, चाहे उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार बारिश के कारण कहीं न कहीं जो कच्चे मकान है उनको काफी नुकसान हो रहा था। इसी के कारण था जो कच्चा मकान ढहने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। तो राहुल, क्या इसको देखते हुए, इस घटना के बाद क्या अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया है कि जो बाकी घर है जिनकी हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है उस पर कोई तत्काल प्रभाव से उस पर किसी तरह की एक्शन लेकर वहां से लोगों को हटाया जाए, क्या इस तरह का कोई अधिकारियों के तरफ से कोई कार्य किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश के बाद चाहे पूर्वांचल की बात करें, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, तो कहीं न कहीं लगातार बारिश हो रही है। उसका कारण ये है कि जो कच्चे मकान है उन पर काफी प्रभाव हो रहा है। अब बात करते हैं अधिकारियों की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अधिकारियों की बात की जाए तो कहीं न कहीं अधिकारी अभी भी इससे बेखबर है। जिस तरीके से मौत हुई है, अधिकारी अभी भी उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचे हैं, पीड़ित के दरवाजे पे। और रही सवाल कच्चे मकान की, तो आज भी कई ऐसे कच्चे मकान हैं जो अपने मकान में जिनको आवास नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं अपने कच्चे मकान में जीवन यापन करने को मजदूर हैं, तो कहीं न कहीं अभी भी अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जौनपुर से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जहाँ मलबे में दबने से एक मासूम ने दम तोड़ दिया। हालांकि मानसून आते ही जो जर्जर मकान होते हैं उनकी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो जाती है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। तत्काल प्रभाव से इस तरह के मकान जो बाकी हैं उन पर भी निगरानी अधिकारियों को बनानी चाहिए। मैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने भी दी श्रद्धांजलि, वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है, इस मौके पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे दिल्ली से गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी श्रद्धांजलि देते हुए वीर भूमि तमाम नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं आपको, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे,
जिन्होंने श्रद्धांजलि वीरभूमि पर पहुंचकर राजीव गांधी को अर्पित की। आज 77वीं जयंती है राजीव गांधी की। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता, दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी वीरभूमि पहुंचे और उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक, करीब 3.5 घंटे चली बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में रहे मौजूद। अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री सुनील बंसल भी रहे मौजूद। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर संजय निषाद भी मीटिंग में शामिल। तो बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही तलब किया था, जिसके बाद तत्काल मीटिंग बुलाई गई थी। कई अहम चीजों को लेकर 2022 के चुनाव नजदीक है, लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है, उसी को लेकर कल ही जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ आज बैठक होनी है, जो 3 घंटे तक चली। इस बैठक के बाद संजय निषाद भी इस बैठक में शामिल थे, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि 3 घंटे करीब ये बैठक चली है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि संजय निषाद को पद दिया जाए, संजय निषाद को कैबिनेट में शामिल क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, आने वाले चुनाव में लेकर संजय निषाद की क्या भूमिका रहने वाली है, उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के समक्ष ये बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, साथ ही साथ संजय निषाद भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं संजय निषाद को बड़ा पद देने की या फिर उनको कैबिनेट में शामिल कर, या उनके जो प्रस्ताव थे क्या उनको मंजूरी मिली होगी इस बैठक में। 3 घंटे लंबी बैठक चली है, इसमें आगामी चुनाव को लेकर, संजय निषाद को अपने साथ लाने को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, यूपी के 2 आईपीएस अफसरों का केंद्र में हुआ इम्प्लांट। आनंद स्वरूप का भी हुआ है इम्पैलमेंट। यूपी के 2 आईएएस अफसरों का केंद्र में इम्पैलमेंट हुआ। अवैध धर्मांतरण में यूपी एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट, 6 आरोपियों के खिलाफ यूपी एटीएस ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। अवैध धर्मांतरण मामले में अब तक 10 आरोपी जेल में हैं। 20 जून को यूपी एटीएस ने यूपी एटीएस 7 दिन में दाखिल की उन्होंने चार्जशीट। बता दें, अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 6 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। अवैध धर्मांतरण मामले में अब तक 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 20 जून को यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तो 20 जून को यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में चार्जशीट दाखिल की, 7 दिन में दाखिल की है ये चार्जशीट। जल संसाधन मंत्री का गोंडा दौरा आज, बड़ी खबर इस वक्त की। मंत्री महेंद्र सिंह का आज 2 जगह कार्यक्रम, 10:30 बजे करनैलगंज पहुंचेंगे मंत्री, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से तुलसी स्मारक जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, दोपहर 2:30 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। तो जल संसाधन मंत्री का गोंडा दौरा आज है। बता दें, मंत्री महेंद्र सिंह 2 जगहों पर उनका कार्यक्रम आज रखा गया है। 10:30 बजे करनैलगंज पहुंचेंगे, उसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से तुलसी स्मारक जाएंगे महेंद्र सिंह, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी जमीन कब्जेदारी को लेकर हुई मारपीट।
विवादों में 5 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। थाना जहांगीराबाद के फजुल्ला गंज का मामला। तो बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन कब्जेदारी को लेकर मारपीट हुई, 5 लोग घायल हो गए, एक की हालत नाजुक बनी हुई है इस मारपीट के चलते। थाना जहांगीराबाद के फैजुल्ला गंज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन को लेकर मारपीट हुई जिसमें 5 लोग घायल और एक की हालत नाजुक है। बढ़ते अपनी खबरों की ओर। कांग्रेस द्वारा 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत लखीमपुर खीरी की सभी विधानसभा और सभी ब्लॉकों में कांग्रेसियों ने प्रवास किया। पहले दिन कांग्रेसियों ने ग्राम सभाओं में घर घर पहुंचकर दस्तक दी और लोगों से सीधा जनसंपर्क किया। लखीमपुर की ब्लॉक बेजम के ग्राम सरैया में भी नगर न्याय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव इरफान बेग ने वर्तमान सरकार की नाकामी और बढ़ती महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को जनता के बीच बताया और जनता को होने वाली समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को नोट किया गया। बताते चले कि जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 75,000 कार्यकर्ता के साथ 75 घंटे विधानसभाओं में प्रवास कर 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क करेगी। विक्रम हमारा महासंपर्क अभियान है। इस अभियान के तहत हम गांव के हर एक घर में जाकर के संपर्क कर रहे हैं, उनको अपने बारे में बता रहे हैं, कांग्रेस से जो इतनी दूरी है क्या वजह है, जो है हम लोगों से इतनी दूरी उन्होंने बना रखी है, इस बारे में उनसे बात कर रहे हैं। एक जो है पंचायत का जो है आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें खेती किसानी जो वहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको नोट कर शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।